देर आर सेवरल ऑप्शंस, मैं आपको कोर्स कॉम्बिनेशन ऐसा ऐसा बताऊंगा जो कि आपका एकदम से माइंड हिट करेगा कि हाँ ये कोर्स तो जरूर होने चाहिए, इस तरह के कोर्स जरूर हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेनिफिट। इटली से अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन कोर्स किया तो उसको एक साल की वहां पर रेसिडेंट परमिट मिल जाती है। रेसिडेंट परमिट का फायदा क्या है? रेसिडेंट परमिट का सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मेडिकल साइंस में एमबीबीएस कोर्स में, एमबीबीएस कोर्स में किसी स्टूडेंट का जो वहां पे एंट्रेंस हो रहा है इंडिया से, अगर वो दे रहा है तो वो एलिजिबल है एज ए नॉन ईयू कैंडिडेट, और एक यूनिवर्सिटी के लिए उसको वहां पर प्री एनरोलमेंट करनी पड़ती है। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, पाविया में 100 सीट्स मेडिकल की हो सकती है। 100 में से जो 60 सीट्स है वो ईयू की है और 40 सीट्स है वो नॉन ईयू की है। तो इंडिया से अगर जब आप एग्जाम लिख रहे हो आईमैट का, तो फिर आप एलिजिबल हैं उन 40 सीट्स पे, और 60 सीट्स पे वो बच्चा वहां पर एलिजिबल है जो ईयू कैंडिडेट है। तो जब आप रेसिडेंट परमिट एक साल का ले चुके हो फाउंडेशन कोर्स करने के लिए इटली में, आपका कोटा अब जो है 2024 में वो चेंज हो करके नॉन ईयू लिविंग इन इटली हो जाता है। तो इसका बेनिफिट ईयू के बराबर आपको मिलता है। यू आर बीइंग बेनिफिटेड एज एन ईयू कैंडिडेट। दैट मींस कि पाविया यूनिवर्सिटी के 60 सीट्स पे अब आप वहां पे फाइट कर सकते हैं, ना कि ऑल जो भी इंडियंस होंगे अदर मींस यहां से जो एग्जाम दे रहे होंगे, जो 40 सीट्स पे फाइट कर रहे होंगे, उनके मींस क्यू में आप नहीं है, उनकी लाइन में आप नहीं है। आपका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, आपका कोटा चेंज हो चुका है, एंड ये आपके सिलेक्शन की गारंटी करवा रहा है। दूसरा, इसके साथ का ही जो एक बेनिफिट है कि फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ जो आपको प्रिपरेशन करवाई गई आईमैट की, वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम आपको मिला, जिसमें कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, कल्चर, सबकी प्रिपरेशन एक अलग जोन में आपने किया है, जहां पर कि मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट और द सिलेबस वो आपका बहुत क्लोज है, और आपने उसमें जो है सो अपना फुल डेडिकेशन के साथ उसकी प्रिपरेशन की है। इंडियन स्टूडेंट की तरह नहीं होगा कि भाई अभी नीट भी दे लेते हैं, अभी और भी कुछ और देख लेते हैं, सीयूईटी भी दे लेंगे और चांस देखेंगे, अगर जो इटली के लिए मेरा कहीं कुछ प्लान होगा तो मैं उसको देख लूंगा। उस कॉन्टेक्स्ट से आप बाहर हो जाते हैं, आप एक डेडिकेटेड कहीं ना कहीं जाकर एनवायरमेंट होता है जिसके अंदर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप अपना एक स्ट्रेटजी अलग बनाते हैं। तो इस तरह से आपके चांस ऑफ सिलेक्शन जो है आईमैट में वो इंक्रीज हो जाता है, कंपेयरिंग विद द अदर स्टूडेंट्स हु आर नॉट यूरोपियन यूनियन कोटा के अंदर, जो नहीं आ रहे हैं। सेकेंड जो बेनिफिट है फ्रेंड्स, वो है कि जब आपको एक साल की रेसिडेंट परमिट मिली हुई है, तो जनरली क्या होता है कि अक्टूबर टू जून इनका अपना सेशन होता है फाउंडेशन कोर्स का। तो जून के बाद अभी भी 6 महीने आपके पास बाकी हैं जिसमें कि आप वहां इटली में रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो रेसिडेंट परमिट है वो जनवरी 2024 तक का है। इसलिए आपको क्या करना होगा कि आप वहीं पे रह के प्रिपरेशन करिए, भले आपके अपने खर्चे जो भी होंगे, लिविंग कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ेगा, मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूं, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ आप आसपास की जगहों को, जो डेमोग्राफी है उसको भी बहुत क्लोजली समझ पाते हैं। फॉरेन जाने के बाद चाहे किसी भी कंट्री में बच्चा इंडिया का जाए, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अकोमोडेशन विद फूड। तो जो फूड है वो भी इंडियन फूड कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, या सामान मिल जाए कहीं आसानी से तो अपना बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो आपको एक कंप्लीटली उन एक सालों में जो देखना है, समझना है, एडजस्टमेंट की बात हो रही है,
वो सारी चीज आपको इन टाइम में बहुत अच्छे से आप एडॉप्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन आप करके सारी चीजों को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। क्योंकि बच्चा जब पहली बार इटली को पहुंच रहा है, या एमबीबीएस का एक बच्चा है जो कि अभी उसका एडमिशन हुआ है, वो पहली टाइम जो है सो किसी सिटी में पहुंचा है, तो उसे मतलब पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम्स भी करने हैं, असाइनमेंट भी करना है, और इधर भी एडजस्टमेंट वगैरह देखने हैं। और ये चैलेंज भी है कि अकोमोडेशन के लिए पहले 15 दिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता, उनको होटल में रहना पड़ता है। देयर आफ्टर या फिर उससे ज्यादा भी 15 दिन के ऊपर भी जो है सो होटलों में आपको टाइम देना पड़ता है, तब जाकर कहीं एडजस्टमेंट आप कर पाते हैं, कहीं अकोमोडेशन में आप जा पाते हैं। तो उन चीजों से भी आप बच जाओगे। अब आते हैं थर्ड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट है कि जो लिविंग कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट के लिए आपको मैं बता दूं कि इटालियन गवर्नमेंट ने यूजी स्टूडेंट को ये अलाउ किया है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो टू अर्न फॉर योरसेल्फ, फॉर योर एक्सपेंडिचर। तो अब कोई एमबीबीएस का बच्चा अभी अभी गया है या इंजीनियरिंग का बच्चा अभी भी गया है, वो उसको अभी पार्ट टाइम जॉब करना है नहीं करना, पहले दिमाग में रह गया भैया इतना पढ़ाई करनी होगी, ये करनी होगी, मेहनत करनी होगी, पार्ट टाइम जॉब कैसे करेंगे। लेकिन जस्ट अगर आप 1 साल वहां पर टाइम दे चुके हैं, या चलिए 8 महीने 9 महीने भी आपने टाइम दिया हुआ है, तो आपको एक आइडिया प्रॉपर मिल जाता है कि भाई ये पार्ट टाइम के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी कैसे प्रॉपर वे में हो सकती है। तो आप अपने आप को चैनलाइज कर लेते हैं कि ठीक है, इतने टाइम में पार्ट टाइम भी कर सकता हूँ, इतने टाइम में पढ़ाई भी कर सकता हूँ। आप सिस्टम को समझ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अपने जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कोर्स को लेकर के, उनके अपने टाइमिंग्स को लेकर के, वो इंडिया से बहुत डिफरेंट है। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो सबसे अच्छी बात होती है कि उनका फिक्स होता है कि इतने टाइम में ये होना है, इतने टाइम में ये होना है, वहाँ कोई हड़ताल नहीं होता, वहाँ पे कोई मारकुटाई नहीं हो रही हॉस्पिटल के अंदर, जो ऐसा कोई अब मतलब स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं एक महीने के लिए, ऐसी चीजें वहां नहीं होती। तो वो जो आपको एडॉप्शन है एक शेड्यूल का, वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, सो दैट कि आपकी पर्सनल अर्निंग, पर्सनल एक्सपेंस के लिए वो आप अच्छे से वहां कैलकुलेट कर पाए, टाइम कैलकुलेट कर पाए। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपके पेरेंट्स के लिए, बिकॉज दे आर गिविंग यू देयर हार्ड अर्न मनी कि आप वहां पे प्रॉपरली अपना लिविंग कॉस्ट मीट कर सकें। पता नहीं सारे पेरेंट्स की क्या पोजीशन रहती है, नहीं रहती है, हर एक टाइम आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं, आप डिमांड पे डिमांड करते रहते हैं, तो वैसी स्थिति से फाइट करने के लिए, वैसे सिचुएशन में, हार्ड टाइम में अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए, सेल्फ मेड बनने के लिए आपको ये बहुत बड़ा फायदा देने जा रहा है कि आप इटली में उतने टाइम में रह करके इन चीजों को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके अडॉप्ट कर लेंगे, और अपने लाइफस्टाइल को जैसे भी हो सकता है वैसे वहां पर आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे। देयर आफ्टर जो आपका एक और बेनिफिट होता है, वो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अगर जैसे इंडिया से कोई आज बच्चा यहां से अप्लाई करेगा तो वीजा अप्लाई करेगा, और उसका वीजा का जो क्राइटेरिया है वो है 6 मंथ्स का, उनको फंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा जो आपने फाउंडेशन में अपना जो सो किया 6 मंथ्स का, चूंकि आपका 1 साल का कोर्स था तो 1 साल के लिए आपने 6,000 यूरो बस दिखा दिए। लेकिन जो एमबीबीएस के बच्चे हैं, जो इनको इंजीनियरिंग में जाना है, जिनको फार्मेसी कोर्स में जाना है, किसी का 5 ईयर कोर्स है, फार्मेसी की 5 ईयर कोर्स है, इनकी 6 ईयर की कोर्स है एमबीबीएस की, इंजीनियरिंग की 3 इयर्स की कोर्स है, तो लाइक वाइज जितने भी कोर्सेज के ड्यूरेशन है इंटू 6,000 यूरो जो मैंने आपको पहले बताया, तो वीजा के लिए भी अब आप चूंकि इटली में ही हैं, आप ईयू के बराबर, नॉन ईयू लिविंग इन इटली के बराबर आप ईयू का जो है सो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेनिफिट, तो आपको इस वीजा के चक्कर से भी आप निकल गए। तो ये इतनी बड़ी आपको सुकून देने वाली बात है कि जो आपका 6 मंथ्स का बैंक ट्रांजैक्शन दिखाना है, 30 लाख रुपीज दिखाना है या 20 लाख रुपीज दिखाना है, ये सारी चीजों से आप फारिग हो गए। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू कि आपको इतना रिलैक्स करेगा,
और आपका एक सेफ सिक्योर देखिए कि कहीं ना कहीं जाकर के हम इंडियंस चूंकि मेहनत करना ही जानते हैं, हमें अपना टाइम यूटिलाइजेशन पता है, हम उतने मौज मस्ती वाले नहीं होते, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी लविश नहीं होती है, खर्चे पैसे का जो हिसाब हम बहुत अच्छे से रख पाते हैं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि आप ऐसे कोर्स में एडमिशन लेकर के अपने आप को सेफ सिक्योर 100% समझेंगे। और ये तो टेस्टेड एंड ट्राइड भी है। जिन बच्चों ने फाउंडेशन में एडमिशन लिया है उनका मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इंटरव्यू कंडक्ट करने का, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिले और कॉन्क्रीट टर्म में डिसीजन लेने का यहाँ पर जो है सो आपको पेडिग्री मिले कि हाँ ठीक है ये कोर्स मेरे लिए दी बेस्ट हो सकता है। बजाबते मुझे 10-12 लाख रुपए खर्च भी करने पड़े हैं लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट है वो किसी भी कंट्री में किसी भी कोर्स में आगे जा करके नहीं मिल सकता है।